कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के चलते इंदौर को लॉकडाउन किया गया है। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने इंदौर लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। लोकेश जाटव ने शहरवासियों को घर में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिना किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता के लोग घर से बाहर न निकले। इंदौर में चलने वाली समस्त सिटी बस और आई बस को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए। सभी बसों को तत्काल डिपो बुलवा लिया गया। कलेक्टर के आदेश अनुसार बाहर से आने वाले लोगों की इंदौर के रेलवे बस स्टैंड अन्य समेत स्थानों पर लोगों की जांच होगी। वहीं बाहर से आने वाले लोगों को लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने की बात कही गई। आदेश में कहा गया कि सभी बस संचालक, ऑटो ड्राइवर, वाहन ऑपरेटर निर्धारित बस स्टॉप पर ही सवारियों को उतारे। देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 6 मरीजों की पुष्टि की गई है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन भी अब सख्ती से काम ले रहा है। प्रदेश के 35 जिलों में अब तक लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश IAS एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि वो अपने एक दिन की तनख्वाह मुख्यमंत्री राहत कोष को देंगे। लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाले लोगों की मदद के लिए एक दिन का मेहनताना देंगे। गौरतलब है कि MP में पहला मामला शुक्रवार को जबलपुर में सामने आया था, जहां एक साथ 4 लोगों में संक्रमण पाया गया था, जिसके बाद रविवार को भोपाल में भी एक और मरीज की पुष्टि की गई थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।